हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टेप अप लाइफ्स। आज का वीडियो बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है अपने क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भरने का। बहुत ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट लग सकता है अगर आपने अपनी क्रेडिट कार्ड का बिल डेट ड्यू मिस कर दिया तो। अगर आपके पास दो क्रेडिट कार्ड हैं और अगर आपको उस एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे का भरना है तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, हम आपको बताएंगे। जिस ऐप के द्वारा ये करना है वो आपको आधा से 1% या फिर ऑलमोस्ट फ्री तरीके से करवा देगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्रोमो कोड आप हमारा लगाएंगे तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा, उसको डेफिनेटली चेक करिए। पूरा प्रोसीजर आगे यहां पर देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। ये housing.com तो एक्चुअली बाय सेल और रेंट का ऐप है, तो ये आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो डाउनलोड लिंक है उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। फटाफट यहां पर देखेंगे तो कुछ परमिशंस वो आपसे मांगेगा, वो परमिशंस आप दे दीजिए। वहां पर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जिसे हम कहेंगे पे ऑन क्रेडिट। ये जो ऑप्शन है ये आपको हेल्प करेगा अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए। ये किस तरीके से हेल्प करेगा, क्योंकि अब housing.com पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पर आप अपने क्रेडिट कार्ड से रेंट पे कर सकते हैं, एजुकेशन फीस पे कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एजुकेशन फीस का सेक्शन चुनिए, वहां पर आप एक अकाउंट नंबर दीजिए और अपना अमाउंट को उस अकाउंट में ले लीजिए और उस अकाउंट से अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भर दीजिए। बहुत ही आसान, आधे 1% का तरीका होगा। अब जैसे ही मैंने एजुकेशन फीस का ऑप्शन सिलेक्ट किया और हमारा प्रोमो कोड यूज करने पर बहुत ही माइनर फीस लगेगा, यहां पर से जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जहां पर से आप ये जो पेमेंट है उसको करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि जो भी आपकी जरूरत हो क्रेडिट कार्ड के बिल भरने की उसको ही आप करें। यहां पर ध्यान रखें UPI ID या बैंक का डिटेल्स आपको देना होगा जहां पर आप ये अमाउंट को कैश में बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा 48 आवर्स तक लग सकते हैं, इसलिए थोड़ा एडवांस में करिएगा, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को एकदम लास्ट तक मत कर दीजिएगा। यहां पर आप जैसे ही सारी डिटेल्स डालते हैं आप आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप देखें तो आप कंटिन्यू करते हैं, आपको लॉग इन करने के लिए कहेगा। इस ऐप को डाउनलोड करने पर नया मोबाइल का इस्तेमाल करें, तो अगर आपने घर वालों का किसी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम करने पर आपको ऑलमोस्ट फ्री जैसी चीज हो जाएगी। CCTB15 कूपन कोड लगाने पर कहां लगाना है मैं आपको बताऊंगा, OTP डालकर आप यहां पर साइन इन कर जाइए। हैव एन इनवाइट कोड का जब ऑप्शन आपको दिखाई देता है वहां पर CCTB15 ये आपको लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा, आपका चार्ज 3-4% तक चला जाएगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा रुपए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है, वीजा क्रेडिट कार्ड 3-4% चार्ज ले लेंगे। पे ऑन एजुकेशन फीस एज वेल एज रुपए कार्ड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन और हमारा प्रोमो कोड आपको लगाना होगा। यहां पर आप देखें तो आपका अमाउंट जो है रिड्यूस हो चुका है। मान लो 25,000 का बिल भरना था, वो 25,000 से कम हो चुका है, 24,799। यहां पर अभी खुश नहीं होना है, क्योंकि जैसे आप क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डालेंगे तो वो चार्जेस जो है 25,000 के थोड़े से ऊपर हो जाएंगे। पर ये मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि यहां अगर आप स्क्रीन पे देखें तो 25,302 या 202 के आसपास ये अमाउंट पहुंच गया। इंपॉर्टेंट ये है कि ये अमाउंट भी आपको कैशबैक करके हाउसिंग की वॉलेट में मिल जाएगा, इसीलिए आपने अगर हमारा प्रोमो कोड लगाया है CCTB15 तो ये ट्रांजैक्शन थियोरेटिकली तो आपके लिए जीरो हो जाएगा। वैसे कैशबैक जो मिलता है वो वॉलेट में मिलता है और आपको 48 आवर्स लगते हैं जब आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे तो आपको ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। यहां पर देखिए जो कैशबैक के द्वारा जो अमाउंट है जो एडिशनल थे 202 रुपए वो भी आपको यहां पर बच गए, आपको कैशबैक वॉलेट में आ गया, इसको भी आप सेकंड ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं। साथ साथ में स्क्रैच कार्ड भी आपको मिला जो भी अराउंड 10-15 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल अब भर सकेंगे। क्यों? क्योंकि 48 घंटे के अंदर ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है और बैंक अकाउंट में आने पर आप इससे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर लीजिए। इंपॉर्टेंट यह है कि आप इस साइकिल को रिपीट ना करें, एक या दो तीन बार इसको करें, इससे ज्यादा ना करें। यहां पे देखिए 25,202 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 1% के यहां पे देखिए बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए आ चुके हैं। अब आप इससे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं जो आप नहीं भर सकते थे डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से। तो अगर आपको यह आइडिया पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। लिंक आपको डाउनलोड का मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और जो प्रोमो कोड है मैंने आपको बताया यहां पर।